तो अभी ये वीडियो में जानेंगे हम, ये थ्री फेज का एसी है, आप देख सकते हैं ये थ्री फेज एसी है, डक्टेबल एसी है, टू कंडेंसर फैन मोटर है, ये कंप्रेसर है, ये कॉन्टेक्टर है और कंडेंसर फैन मोटर दो है। ये हमारा जो है 4.5 टन का एसी है, आप देख सकते रहेंगे ये 4.5 टन का एसी है, कंडेंसर, ये कंडेंसर है और ये स्टैंड है और ये दो कंडेंसर फैन मोटर लगा हुआ है और एक कंप्रेसर है और इसके अंदर जो भी है गेज वगैरह सिस्टम लगा हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में चेक करेंगे किस तरह से इसका वायरिंग रहता है, कनेक्शन रहता है, डायग्राम रहता है। ये थ्री फेज एसी है, इसका पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो आप देख सकते रहेंगे सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं, इसका कनेक्शन वायर, पावर जो रहता है कहाँ से आता है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा 4 वायर आ रहा है, 4 वायर आ रहा है यहाँ पर, थ्री फेस में हमारा 4 वायर आता है, ये 3 फेस ही रहता है। अब ये 3 फेस है, आर वाई बी, ये 3 फेस रहता है और ब्लैक एक न्यूट्रल रहता है। ये तो देख सकते हैं ये 4 वायर आ रहा है, ये 4 वायर जो हमारा अभी ये सबसे कनेक्टर रहता है, ये देख सकते हैं कनेक्टर के माध्यम से जाता है, RYB रहता है और ये ब्लैक न्यूट्रल रहता है। लेकिन ये कनेक्टर खराब होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये कनेक्टर जो है चेंज कर दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर 3 फेस पावर जाता है, कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट यहाँ पावर दे दिया गया है, जैसे कनेक्टर के माध्यम से 3 फेस पावर दे दिया गया है। तो ये 3 फेस दे सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्टर पर आ रहा है, ये कॉन्टेक्टर जो है पावर यहाँ पर आता है और यहाँ पे पावर होल्ड रहता है। जब इसको कंप्रेसर से सीपी पावर आता है, ये क्वाइल दे सकते हैं, ये जो हमारा क्वाइल है पावर का, ये नीचे जो रहता है, नीचे दो ये क्वाइल है, ये जो दे सकते हैं ये दो वायर है, ये कंडेंसर का क्वाइल रहता है। सीपी पावर जिस तरह से आता है यहाँ पर आता है और यहाँ से ऑन ऑपरेट करता है, मैग्नेट फील करता है, ये नीचे जाता है। जब ये नीचे जाता है, ये यहाँ पर क्वाइल पर पावर आएगा तो ये प्लंजर नीचे खींचेगा तब जाके यहाँ से पावर यहाँ पर आगे जाता है, नहीं तो 3 फेस पावर जो रहता है यहाँ पर ही आकर के होल्ड रहता है। ये 3 फेस पावर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है और ये देख सकते रहेंगे ये आउट हो रहा है, ये 3 फेज जो यहाँ पर आउट हो रहा है, ये देख सकते हैं ये 3 जो है आउट हो रहा है यहाँ पर, ये लग देख सकते हैं सेफ लगा हुआ है आपको तीनों, ये RYB एग्जाम्पल इस तरह पर थोड़ा चेंज हो गया है, एक एग्जाम्पल आप पढ़ सकते रहेंगे RYB, ठीक है। ये 3 वायर यहाँ पर आ रहा है, 3 फेज का ये 3 वायर किधर जा रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 फेज वायर जो आता है हमारा सीधा आता है कंप्रेसर के टर्मिनल पे। तो वो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं वो 3 वायर जो हमारा यहाँ पर आ रहा है कंप्रेसर के टर्मिनल पे आता है, एक मिनट हम आपको खोल करके दिखा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 वायर जो यहाँ पर कंप्रेसर के टर्मिनल पर आ रहा है, RB ब्लैक यानी कि कलर थोड़ा चेंज हो गया है, RYB यानी 3 फेज से बोल सकते हैं। ये 3 फेज जो है यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टेक्टर के माध्यम से डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट का कॉन्टेक्टर का कंप्रेसर हो गया। उसके बाद इसका सीपी वायर किस तरह से आता है वो हम समझ लेते हैं। सीपी वायर जो रहता है ये हमारा, उसके बाद यहाँ से पावर के लिए, फ्लोर के लिए इन जाता है पावर, आ देख सकते हैं ये जो हमारा जो वाइट कलर का वायर है ये हमारा इन हो गया था पावर। दूसरा वायर, ये जो वायर जा रहा है ये हमारा नीचे जाता है, यहाँ से ब्लोअर के लिए जाता है, इंडोर के लिए जाता है, यहाँ से ही जो है इंडोर के लिए जाता है। इंडोर कैसे जाता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देख सकते रहेंगे ये फेस वायर जो आता है यहाँ से, एक फेस है, ये फेस जो है घूम करके यहाँ पर जा रहा है और न्यूट्रल वायर जो है यहाँ पर ही शॉर्ट किया गया है, ये जम्परिंग किया गया है यहाँ से एक दूसरे में यहाँ से जैसे न्यूट्रल वायर आ रहा है और यहाँ से न्यूट्रल वायर जम्परिंग कर किया गया है, घूम कर जा रहा है और ये फेस वायर जो है इन हो रहा है यानी इंडोर ब्लोअर के लिए जाता है। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं ये वाइट कलर का हो गया, ये वाइट कलर का वायर हमारा कहाँ पर आ रहा है ये आप देख सकते हैं, क्लियर भी मैं बताते हैं, ये वायर देख सकते हैं ये वायर हो गया, ये इंडोर से सीपी वायर जिसे कहते हैं रिमोट से, थर्मोस्टेट से, हनीवेल टेम्परेचर से आता है, ये वाइट कलर का वायर आ रहा है और ये देख सकते रहेंगे 2 वायर है, एक वायर जो है इन हो रहा है, ये हमारा आता है किधर, HPLP के लिए जाता है, देख सकते रहेंगे ये 2 वायर है यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, ये हमारा जो है HP स्विच है, सॉरी LP स्विच है, यहाँ पर आप देख सकते रहेंगे ये हमारा, शायद आपको जैसे नहीं मालूम चल रहा है, ये LP स्विच है और यहीं जैसे ही ये HP स्विच है, ये आप देख सकते हैं ये HP स्विच है, ये HP स्विच लगा हुआ है और ये LP स्विच लगा हुआ है, दोनों यहाँ पर देख सकते रहेंगे लगा हुआ है, ये एक और दो, ये LP स्विच है, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट रहता है, इन होता है पावर और वही इन हुआ जो रहता है, यहाँ से जो है
व्हाइट कलर का इन हुआ और ब्लैक कलर का आउट होकर के आता है। देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो है आउट होकर के आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का वायर जो यहाँ से आउट होकर के यहाँ पर आ रहा है और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। कॉन्टेक्टर के कॉइल को सीपी पावर होता है ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे ये न्यूट्रल पावर दिया रहता है। ये न्यूट्रल पावर यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है वाइट कलर यहाँ से थर्मोस्टेट से जाएगा और थर्मोस्टेट से होकर के HPLP से होकर के कॉन्टेक्टर के सीपी पावर को आएगा। यहाँ पर कॉन्टेक्टर पावर कॉन्टेक्टर का प्लंजर जो इन होगा अंदर जाएगा फिर पावर यहाँ से यहाँ जाएगा ऑन हो जाएगा हो जाएगा। इस तरह से इसका कंडेंसर रहता है। ये कंडेंसर फैन मोटर है तो इसका जो है पावर देख सकते हैं ये जो हमारे एक है और ये दो वायर दिया हुआ है। ये हमारा स्टार्टिंग के लिए है, ये हमारा रनिंग के लिए है और न्यूट्रल वायर जो यहाँ पर डायरेक्ट रहता है। न्यूट्रल वायर का मोटर का आप देख सकते रहेंगे सभी का है, ये न्यूट्रल है ब्लैक कलर का डायरेक्ट है और एक वाइट जो है रन स्टार्ट है। इस तरह से दोनों में मोटर का वायर का पावर जाता है। कनेक्शन नॉर्मली बेसिकली कुछ इस तरह से ही रहता है। इसमें डायग्राम नहीं है, डायग्राम में चाहिए तो हम दूसरा वीडियो में डायग्राम में हम दिखा देंगे किस तरह से डायग्राम कनेक्शन रहता है। शुरू के लिए हम दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो अभी आपने देखा इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट को, अभी हम इसका मैकेनिकल पार्ट जो रहता है साइकिल जो रहता है वो हम समझते देखते हैं। दो कंडेंसर फैन लगा हुआ है जो हाई स्पीड है, कंडेंसिंग क्रिया होता है और इसमें जो 920 RPM का लगा हुआ है कंडेंसर फैन मोटर है। कंप्रेसर देख सकते हैं, हर्मेटिक कंप्रेसर 3-phase कंप्रेसर लगा हुआ है। HPLP के बारे में आपने देखा है, इसमें जो है कंप्रेसर एक डिस्चार्ज पाइप और एक सक्शन पाइप। इंसुलेटेड जो रहता है पाइप कभी भी सक्शन रहता है जो मोटा रहता है और बिना इंसुलेटेड का जो रहता है वो डिस्चार्ज रहता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिस्चार्ज है, इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है। इसका काम क्या रहता है, जो गैस का प्रेशर जो नॉइज रहता है उसे रिड्यूस करता है। यहाँ से देख सकते रहेंगे ये डिस्चार्ज पाइप के ऊपर एक ओरिजन आया हुआ है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, रिपेयर करें सर्विस में उसे क्लीन करेंगे। ये पाइप जो कंडेंसर में जा रहा है आप देख सकते रहेंगे, कंडेंसर से होकर के सभी रो से घूम करके वापस जो है नीचे पाइप में आता है। देख सकते रहेंगे यहाँ से नीचे जाता है, ये नीचे आने पर लिक्विड लाइन हो जाता है। नॉर्मली जो हमारा कंडेंसर के आगे जो रहता है वो लिक्विड लाइन रहता है, ये लिक्विड लाइन है। देख सकते रहेंगे यहाँ पर वाल लगा हुआ है, यहाँ से जॉइंट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। सामने जो वाल लगा हुआ है यहाँ पर सर्विस वाल, ये सर्विस वाल है, सर्विस वाल से निकल करके फिल्टर में जाता है गैस प्रेशर। फिल्टर से निकल करके साइड ग्लास लगा हुआ है जहाँ से हम गैस प्रेशर वाला देख सकते रहेंगे, इसका वापस निकल करके सक्शन पाइप में आता है और यहाँ से निकल करके कंप्रेसर में आता है। तो जो है टोटली जो है रेफरेंस साइकिल जो रहता है कुछ इस तरह से इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है, सिस्टम वर्क करता रहता है। तो और भी बहुत से कंट्रोल्स के बारे में, HVAC के बारे में, 3-phase सेंट्रल AC पैकेजेस के बारे में अगर आप जानना सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें। ये वीडियो में क्या जानकारी मिला आपको, क्या नहीं मिला, आगे और क्या चीज़ के बारे में जानना सीखना चाहेंगे कमेंट में आप बता सकते रहेंगे। ये वीडियो नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करें। आज आपका